सोलन में शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर कार्यालय के लेंटर का हिस्सा गिरने से एक महिला अधिकारी घायल हो गई। पुरानी बिल्डिंग में बना हुआ हादसे का खतराए कार्यालय शिफ्ट करने को विभाग की मांग। सोलन के चंबाघाट में स्थित शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस की बिल्डिंग के छत के लेंटर का एक बड़ा हिस्सा गिरने से एक महिला अधिकारी घायल हो गई। घटना सोमवार को दिन में करीब 1:30 पर पेश आई है, जब ऑफिस की ऊपरी मंजिल में सुप्रिंटेंडेंट निर्मला नेगी व अन्य कर्मचारी लंच कर रहे थे। हालांकि सुप्रिंटेंडेंट निर्मला नेगी का आज उपवास था और वह व्रत का फलाहार ही ग्रहण कर रही थी। उसी समय अचानक लेंटर का एक बड़ा हिस्सा नीचे गिर गया, इससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई हैं और उन्हें इलाज के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ले जाया गया है। गनीमत इस बात की रही कि लेंटर का थोड़ा सा हिस्सा ही उनके सर पर गिरा व बाकी उनके काम करने के टेबल पर खाली जगह पर गिरा। अगर लेंटर का बड़ा हिस्सा उन पर गिर जाता तो कोई अप्रिय घटना हो सकती थी। उनके साथ वाली सीट पर ही काम करने वाली उनकी सहयोगी सुप्रिंटेंडेंट नीलम ने बताया कि उनकी सहयोगी सुप्रिंटेंडेंट निर्मला नेगी उपवास के कारण दही खा रही थी। वो उनके लिए अपनी सीट को छोड़कर चम्मच लेने के लिए गई। अचानक ही जोर से धमाके की आवाज़ आई। पहले तो उन्होंने सोचा कि वहाँ पड़ी अलमारी गिर गई, लेकिन जैसे ही उन्होंने पलट कर देखा तो छत गिरने से मैम के सर से खून निकल रहा था और छत का काफ़ी हिस्सा नीचे गिरा हुआ था। उसके बाद सभी ऑफिस के सहयोगी वहां आ गए व उन्हें प्राथमिक उपचार देने के बाद अस्पताल ले गए। इस बारे में डिप्टी डायरेक्टर जगदीश चंद्र नेगी ने बताया कि आला अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। भवन जर्जर हालत में है, उनसे वैकल्पिक जगह तलाश कर कार्यालय को शिफ्ट करने के लिए कहा गया है। लंच करने लगे थे ना, लंच के व्रत था वैसे तो आज हमारा, तो थोड़ा हम फलाहार जैसा लाए थे, मैडम दही खाने लगे हुए थे, फिर वो कहते आप भी खाओ। मैं थोड़ा काम कर रही थी, मैंने कहा अच्छा मैं भी खाती हूँ। फिर मैं जब जैसे ही खाने के लिए टिफ़न निकाला तो मैंने कहा मैं चम्मच लाना आज भूल गई हूँ। मैम कहते कि आप ना चम्मच वहाँ से ले लो, मेरी अलमारी से, सामने उनकी अलमारी होती है। तो मैं जैसे अलमारी में चम्मच लेने के लिए वहाँ तक पहुँची, उसी टाइम जोर से आवाज़ हुई और मैंने जैसे पीछे मुड़ के देखा, मैं पता नहीं भूकंप आया। जब मैंने ऊपर को देखा तो देखा तो ऊपर से काफ़ी बड़ा ये पीस जो है बहुत सारा, मतलब लेंटर टूट के जैसे गिर रहा है। और मुझे एक तरफ को तो लगा कि अलमारी गिर गई मैडम के ऊपर, और मैंने मैम को इसी टाइम चिल्ला के ऐसे बोला, मैंने कहा मैडम निकलो वहाँ से बाहर, और वो यहीं थे ऐसे सिर पकड़ के खड़े थे। पर फिर बड़ी मुश्किल से वो जैसे आए, फिर मैं उनको पकड़ के, हम फटाफट तब तक लोग भी इकट्ठे हो गए और ऑफिस के हमारे कोलीग्स आगे, और फिर हम उन्हें लेके गए यहाँ नीचे, साथ ही ESI का हॉस्पिटल है वहाँ हम चेकअप करवाने के लिए लेके। उनको बहुत ब्लड बह रहा था, मतलब ब्लड की जैसे नदियाँ होती है इस टाइप से ब्लड सारे में गिरता गिरता ही जा रहा था। तो वहाँ दिखाया तो बाल बाल बच गए, मतलब वो कहते थोड़े से पॉइंट में दूसरी साइड लगती तो वो नहीं सेफ नहीं होने थे। फिर वहाँ डॉक्टर ने टंके वगैरह लगाए उनके और सीटी स्कैन वगैरह करने के लिए भी हॉस्पिटल उनको रेफर किया है, तो हॉस्पिटल गए। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए सोलन से जैस्मिन की रिपोर्ट।